लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि हम सिर्फ मुंतशिर हैं, बटे हैं। कोई देवबंदी है तो कोई बरेलवी है, कोई अहले सुन्नत है तो कोई अहले हदीस है, कोई अहले कुरान है तो कोई ये है। अरे याद रखो, याद रखो, दुश्मन का जब वार होता है तो वो ये नहीं देखता और ये नहीं पूछता कि तू देवबंदी है या बरेलवी है। क्या अखलाक देवबंदी थे या बरेलवी थे, क्या आप जानते हैं? क्या जाहिद देवबंदी थे या बरेलवी? नुमान क्या देवबंदी था या बरेलवी? क्या जुनैद देवबंदी या बरेलवी? अरे वो मारने वाला न देवबंदी देख रहा है, न बरेलवी देख रहा है, न अहले हदीस देख रहा है, न अहले कुरान देख रहा है, न अहले सुन्नत देख रहा है। वो यही देख रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है। खुदा रा मुसलमानों, तुम भी यही देख लो, कलमे की बुनियाद पे मुनज्जम हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, एक मरकज सियासी पे आ जाओ तो किसी की मां नहीं जड़ी, ना हमारे टोपियों को पकड़ सकते हैं, ना दाड़ियों को पकड़ सकते हैं। हमारा इंतशार जिम्मेदार है हमारे ऊपर होने वाले मजालिम का, बेराहरवी की जिंदगी जिम्मेदार है हमारे कत्ल और गालिबगिरी की। मसलकी इख्तलाफ, मकतबी इख्तलाफ, अकायद का इख्तलाफ जिम्मेदार है हमारे ऊपर होने वाले मजालिम का। खुदारा, खुदारा मेरे प्यारे मुसलमानों, मुनज्जम हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ।